नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता मिश्रा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। नरेंद्र मोदी सरकार ने आज जम्मू कश्मीर पर बहुत बड़ा फैसला लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म कर संकल्प राज्यसभा में पेश किया। साथ ही राज्य के पुनर्गठन विधेयक को पेश किया गया। इस विधेयक के तहत जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी पर लद्दाख में नहीं। मोदी सरकार के आज आए ऐतिहासिक फैसले ने देश के राज्यों की संख्या घटा दी। इसी के साथ केंद्र शासित राज्यों की संख्या बढ़ाकर 7 से 9 कर दी। जी हां, आज गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अनुच्छेद 370 हटाने के लिए संकल्प पेश किया था। शाह के प्रस्ताव रखने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनुच्छेद 370 हटाने के लिए संविधान आदेश 2019 के तहत अधिसूचना जारी कर दी। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात के बीच रविवार रात 12 बजे श्रीनगर में तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर दिया गया था। सुरक्षा के नजरिए से संवेदनशील बने जम्मू कश्मीर में रात 12 बजे धारा 144 लागू कर दी गई थी। प्रशासन ने कहा कि राज्य में रैलियों पर भी रोक लगा दी गई है, साथ ही मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। राज्य में अभी स्कूलों कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 में बदलाव और राज्य पुनर्गठन के फैसले पर हो रहे हंगामे के चलते राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जल्द ही जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। वह जम्मू कश्मीर में सुरक्षा का जायजा लेंगे। आपको बता दें कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धारा 370 को खत्म कर जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बना दिया है। जम्मू कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 में बदलाव और राज्य पुनर्गठन के फैसले का कांग्रेस, पीडीपी समेत कई पार्टियों ने विरोध किया है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के 2 सांसदों ने राज्यसभा में अपने कपड़े फाड़ दिए। सांसदों की इस हरकत से नाराजगी जताते हुए सभापति वेंकैया नायडू ने दोनों सांसदों को सदन से बाहर भेज दिया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने वाले गृह मंत्री के इस बयान के बाद राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यह असंवैधानिक है और हम इसका विरोध करते हैं। उधर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने राज्य से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर कहा, सरकार ने एक तरफा फैसला किया है, यह भरोसे पर पूरी तरह धोखा है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राज्य से धारा 370 खत्म किए जाने का विरोध किया और कहा, आज का दिन भारतीय लोकतंत्र का स्याह दिन है। अनुच्छेद 370 निरस्त करने का भारत सरकार का एक तरफा फैसला गैर कानूनी और असंवैधानिक है। जम्मू कश्मीर में भारत संचालन बल बन जाएगा। अनुच्छेद 370 पर उठाया गया कदम उपमहाद्वीप के लिए विनाशकारी परिणाम लेकर आएगा। वे जम्मू कश्मीर के लोगों को आतंकित कर इस क्षेत्र पर अधिकार चाहते हैं। भारत जम्मू कश्मीर के साथ किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रहा। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव राम माधव ने कहा कि आज का दिन काफी गौरवशाली दिन है। अंततः जम्मू कश्मीर को भारत में पूर्ण रूप से शामिल किए जाने की श्यामा प्रसाद मुखर्जी समेत हजारों शहीदों की इच्छाओं का सम्मान हुआ है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हटाए जाने की घोषणा के बाद शिवसेना ने कहा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि पीएम अखंड हिंदुस्तान का सपना पूरा करेंगे। उधर बहुजन समाज पार्टी ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर बसपा ने सरकार का समर्थन किया है। बसपा सांसद सतीश चंद्र मिश्र ने राज्यसभा में कहा कि हमारी पार्टी इसका पूर्ण समर्थन करती है। हम चाहते हैं कि बिल पास हो। हमारी पार्टी धारा 370 बिल और अन्य विधेयक का कोई विरोध नहीं कर रही है। बिहार में एनडीए के सहयोगी जेडीयू ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है। पार्टी नेता केसी त्यागी ने कहा कि हमारी अलग सोच है। हमारे नेता नीतीश कुमार, जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस के विचारों को मानती है और मेरा मानना है कि धारा 370 नहीं हटाए जाना चाहिए। वहीं AIADMK ने सरकार के इस कदम की सराहना की है और इसके समर्थन में अपने विचार व्यक्त किए हैं। बीजेडी सांसद प्रसन्न नाग आचार्य ने कहा कि सही मायनों में जम्मू कश्मीर आज भारत का अंग हो गया। मेरी पार्टी सरकार के इस कदम का समर्थन करती है। वहीं साथ ही आरएसएस ने मोदी सरकार के फैसले पर कहा, सरकार के साहसपूर्ण कदम का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यह जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश के हित के लिए अत्यधिक आवश्यक था। सभी को अपने स्वार्थों एवं राजनीतिक भेदों से ऊपर उठकर इस पहल का स्वागत और समर्थन करना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने की सिफारिश का प्रस्ताव पेश करने पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी के बागी नेता कुमार विश्वास ने लगातार 4 ट्वीट किए हैं। इसमें उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण है और साथ ही जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पर भी जबरदस्त तंज कसा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि
आज ही धंधा बंद हुआ और आज ही बुआ और महबूबा के ये भतीजे कपड़े फाड़कर भिखारी भी हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का ऐतिहासिक प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया। इसे लेकर देश भर की जनता के अलग अलग विचार हैं। ऐसे में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी इसे लेकर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। जहां अनुपम खेर और परेश रावल जैसे सितारों ने इसका स्वागत किया है, वहीं पिछले दिनों फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहने वाली जायरा वसीम को शायद ये नहीं भा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ इंडिया।